देश आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मोदी यहां 2 मिनट मौन भी रहे। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रो बग्गी में कर्तव्य पथ पर पहुंचे। 1984 के बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए बग्गी से पहुंचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरी बार राजपथ पर तिरंगा फहराया। देश का 75वां गणतंत्र दिवस इस बार कई मायनों में खास है। इस साल कर्तव्य पथ पर परेड और झांकियों में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा दिखी। सुबह 10:30 बजे परेड शुरू हुआ तो 100 महिलाओं ने शंख और नगाड़ा बजाकर इसका आगाज किया। ये गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार हुआ। 75वें गणतंत्र दिवस पर 16 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 9 मंत्रालयों की झांकियां कर्तव्य पथ पर दिखी। उत्तर प्रदेश की झांकी में रामलला का छोटा स्वरूप दिखाया गया। इस बार सबसे खास इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और उत्तर प्रदेश की झांकी रही। इसरो की झांकी में इस बार चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को दिखाया गया। बिहार में सियासी संकट बना हुआ है। राजनीति में परिवारवाद पर नीतीश कुमार के बयान के बाद से ही आरजेडी और जेडीयू में तल्खी बढ़ गई है। पटना के गांधी मैदान में शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में दूरी दिखी भी। इसमें सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी शामिल हुए। 1.5 घंटे साथ भी रहे। दोनों बिना आपस में बातचीत के निकल गए।